बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे, साथ ही विधायक विश्वनाथ मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बीकानेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम ने बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया और विधायक विश्वनाथ मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया। सीएम बजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे, जहां भारीपुरा में विकसित भारत शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपने एक महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। खजवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ ने भारीपुरा गांव में सड़क की डिमांड रखी तो मुख्यमंत्री ने कहा, एक दो नहीं, आप जितनी कहेंगे उतनी सड़कें बना देंगे। इससे पहले नाल हवाई अड्डे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने उनका स्वागत किया। तो बीकानेर में सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन किया और वो तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर। जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी ली। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन किया और तस्वीरों के माध्यम से भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तब की तस्वीर है जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और अधिकारियों के संग वो बैठक लेते हुए नजर आए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन भी किया। मोदी जी को हमारी माताएं हमारी बहनों की बहुत बड़ी चिंता है, हमेशा वो माता बहनों की चिंता करते हैं। मैं माता बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप निकलिए, मोदी जी की योजनाओं का फायदा लीजिए, हर योजना आपके फायदे के लिए है। घर बैठे आपको योजना मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है, आप उन योजनाओं से जुड़ करके अपने परिवार का भी पालन करेंगे और समाज का उत्थान भी आप करेंगे। हमारा देश, मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहने वाला है। 10,11,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हमारे राजस्थान के अंदर बने हैं और राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर है जो सबसे ज्यादा कार्ड बने हैं। यही नहीं, विकसित भारत संकल्प में पहले स्थान पर है, पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकरण हमने पहले स्थान पर कहा है, इसमें भी देश में हम पहले स्थान पर हैं। जिसका आपने जिक्र किया था, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रेणी में राजस्थान पहले नंबर पर है। स्वास्थ्य शिविरों में मैं आपसे कह सकता हूं, 1,83,00,000 स्वास्थ्य जांच राजस्थान के अंदर हुआ है। तो सीएम भजनलाल ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं, करप्शन से जुड़े मामले में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, छोटा बड़ा कोई रिश्वतखोर नहीं बचेगा। घुसखोरों को दो टूक संदेश दिया और आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो, ये कहा गया। भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कसी नकेल, आरोपी अधिकारियों के कंठ से फूट नहीं रहे बोल। राकेश जी कुछ कहना है आपको? दो दिन की पुलिस रिमांड में आईएएस एडिशनल डायरेक्टर, एसीबी ने 35,000 की रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर ऐसी नकेल कसी है कि कंठ से बोल नहीं फूट रहे। राकेश जी कुछ कहना है आपको? घूसखोरी के आरोप में अदालत में पेश किए गए इन दोनों आरोपियों को बाबू या छोटा मोटा अफसर मत समझिए, इनमें से एक आईएएस है तो दूसरा एडिशनल डायरेक्टर। दरअसल एसीबी की टीम ने मत्स्य विभाग के डायरेक्टर प्रेमसुख बिश्नोई और एडिशनल डायरेक्टर राकेश देव को शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों अफसरों को दो दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बताते चले कि दोनों अफसरों को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी टीम ने टोंक रोड स्थित ऑफिस से अरेस्ट किया था। इनके ठिकानों पर की गई सर्च में एसीबी को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। दो दिन का जो पीसी रिमांड लिया है वो इसीलिए लिया है कि इनके घर से कुछ डॉक्यूमेंट और हथियार वगैरह बरामद हुए, उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए लिया है। और इनकी जो वार्तालाप हुई है लेन देन वाली, उसमें किसी अन्य लोगों के उजागर होने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी ऑफिस में दोनों अफसरों से पूछताछ के साथ उनके तीन ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की गई थी।
जिसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और हथियार मिलने की बात सामने आ रही है। एसीबी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एक परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि पिछले साल अगस्त में उसने टोंक में फिश फार्मिंग के लिए टेंडर लिया था। नवंबर में जब उसने लाइसेंस के लिए डिमांड की तो उसे टरकाया जाने लगा। कई बार चक्कर लगवाने के बाद उसे 1,00,000 रुपए की रिमांड की गई, जिसकी उसने एसीबी में शिकायत की। तस्दीक के बाद एसीबी ने घुसखोरी के आरोपी दोनों अफसरों को दबोच लिया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो जोधपुर में केसरिया झंडा लगाने को लेकर के विवाद हो गया, जिसके बाद तनाव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी सहित 3 थाने के अधिकारी मौके पर मौजूद है। विवेक विहार थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था और बिजली के पोल पर झंडा लगाने की बात पर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो केसरिया झंडा लगाने को लेकर के विवाद हुआ है जोधपुर में। बिजली के पोल पर झंडा लगाने की बात पर यह विवाद हो गया, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीआरपीएफ के जवान श्री किशन का निधन। आपको बता दें कि श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। दौसा के पिलवा गांव के रहने वाले श्री किशन थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान श्री किशन का निधन हो गया। दौसा के पिलवा गांव के रहने वाले थे श्री किशन, तो काफी दुखद खबर ये सामने आई दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीआरपीएफ के जवान श्री किशन का निधन हो गया। तो श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। जिला आरके अस्पताल में अस्पताल प्रशासन और निजी एम्बुलेंस चालकों के बीच चल रहे गतिरोध का खामियाजा आज एक मृतक के परिजनों को उठाना पड़ा। इसका कारण है कि अस्पताल में संचालित प्राइवेट एम्बुलेंस को अधिकारियों ने अस्पताल में पीछे खड़ा करवा दिया था, जिसका प्राइवेट एम्बुलेंस चालक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 2 घंटे तक परिजन इधर उधर भटकते रहे। बाद में उन्होंने चिकित्सा विभाग को जानकारी दी। इस पर चिकित्सा विभाग ने रेडक्रॉस सोसायटी की एम्बुलेंस बुला करके शव को घर के लिए रवाना करवाया। इस घटनाक्रम के बाद अब आरके एम्बुलेंस एसोसिएशन ने समाधान की मांग रखी है। मास्टर सुशील जी, उनकी डेथ हो गई है, राह से बोली यहाँ है, पर एम्बुलेंस वाले एक भी आने के लिए तैयार नहीं है। एम्बुलेंस वाले तो मेरे को ध्यान नहीं है, अब इनके हॉस्पिटल का क्या विवाद है, जो साधन नहीं है उसकी व्यवस्था करेंगे। ललित नाम है मेरा। किस हॉस्पिटल में है बॉडी? आरके हॉस्पिटल। तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गई गाइडलाइन को लेकर के कोटा में धीरे धीरे विवाद बढ़ने की ओर है। 16 साल से कम उम्र के छात्र को कोचिंग में दाखिला नहीं देने के मामले पर विवाद खड़ा हुआ है। सरकार के इस फैसले पर कोचिंग संचालक और व्यापारियों ने इसे कोटा को खत्म करने की साजिश करा दिया है। कोचिंग सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि कोटा की इकोनॉमी कोचिंग सिस्टम पर ही आधारित है। स्टूडेंट कोचिंग में दाखिला नहीं ले पाएगा तो उसका बड़ा असर कोटा में कोचिंग छात्रों की तादाद पर पड़ने वाला है। द्वारा जारी एक गाइडलाइन कोचिंग सेंटर्स के लिए आई है, जिसके अंदर एक बिंदु आया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग के लिए प्रवेश नहीं देना है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 16 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चों को एक सीखने की उम्र होती है। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बाड़मेर के चौटन से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 24 से ज्यादा दुकानें जल करके राख हुई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 1 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लाखों का जो सामान है वो जल करके राख हो चुका है। चौटन के बाकसर सर्कल पर आगजनी की एक घटना हुई है। आगजनी की घटना से 2 दर्जन से ज्यादा जो दुकानें हैं वो धू धू करके खाक हो चुकी है। और देखिए तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। आगजनी की घटना से लाखों रुपए का जो दुकानों में नुकसान हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी सहित आग को काबू पाने के लिए 1 घंटे से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो बाड़मेर के चौटन से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 24 से ज्यादा जो दुकानें हैं वो जल करके राख हो चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 1 घंटे से आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई, आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। आग लगी कैसे, अभी क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बस स्टैंड के ऊपर जो छोटे छोटे केबिन थे वो करीब 2 दर्जन से अधिक केबिन जल गए, जिसमें लाखों रुपए का सामान जला। क्योंकि चौहटन जो मुख्यालय है यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं है, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। अभी पुलिस और प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। करीब 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया और आग विकराल रूप लेते हुए आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और देखिए तस्वीर के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि आग कैसे विकराल रूप लेती हुई नजर आई, और आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई। और 24 से ज्यादा जो दुकानें हैं उसमें जो सामान रखा हुआ था प्रेमदान, जल करके राख होने की खबर है। दुकानदार के जो मालिक है उनसे बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आग अभी फिलहाल लगी हुई है, तो आम आदमी जितने भी लगे हुए हैं वो सब आग के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो अभी बात करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आग पर कैसे भी करके काबू पाया जाए। जितनी दुकानें जली है उसके अलावा ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दौसा के रामगढ़ पचवारा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने पेड़ से लटक करके जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जान देने वाला 21 वर्षीय जो शख्स वो आशीष कुमार है। 14 जनवरी को एक नाबालिग लड़की को भगा करके ले गया था। वापस आने पर नाबालिग ने अपने बयान में राजी खुशी जाने की बात कही थी, लेकिन 19 जनवरी की रात आशीष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने परिजनों को दुनिया छोड़कर जाने की बात कही। परिजनों ने 20 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव बरामद किया और जांच में जुट गई। आशीष सुनो पप्पूलाल मीणा है, जो मैदेवाली ढाणी का रहने वाला है। एक 14 तारीख को एक नाबालिग बच्चे के साथ में कहीं बच्ची इसके साथ चली गई थी। उसने अपने बयानों में बताया कि मैं राजी खुशी मर्जी से गई थी, और ये लड़के इस लड़के ने अपने परिजनों को रात में लाइव आकर बताया कि भाई मैं जो आज जा रहा हूं। तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समय समय पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ में भी जल्द ही 9वीं की छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से साइकिल वितरण किया जाएगा। जिले के चित्तौड़गढ़ और बेंगू ब्लॉक में साइकिल तैयार की जा रही है। इस बार पिछले और अभी दोनों सत्रों की छात्राओं को साइकिल दिया जाना है। इस वितरण को 31 मार्च से पहले करना है। जिले में कुल आपको बता दें कि 17,064 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अभी 2 ब्लॉक में साइकिलों के असेंबलिंग का काम चल रहा है। चित्तौड़गढ़ ब्लॉक की जो साइकिलें हैं वो कुंभानगर स्कूल के अंदर असेंबल हो रही है, और बेगू ब्लॉक की साइकिलें भी हमें प्राप्त हुई है, जो बेगू के ही छात्रा स्कूल के अंदर असेंबल हो रही है। जैसे ही असेंबलिंग का काम पूरा होगा बच्चियों को साइकिलें वितरित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा, और शेष रहे ब्लॉक्स की साइकिलें भी बहुत जल्दी प्राप्त होने की संभावना है। तो खबर टोंक से है, शहर के मुख्य बाजार लाइटनिंग से जगमग है। आपको बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को टोंक के लोग दिवाली मनाएंगे और राम भक्तों ने मिल करके लाइटनिंग की व्यवस्था की है। 22 जनवरी को मुख्य बाजार में झांकी भी सजेगी। शहर के सभी मंदिरों में अब साज सजावट की जा रही है, तो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे 22 जनवरी को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। मुख्य बाजार में झांकी सजेगी और अभी से ही लाइटनिंग कर दी गई है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।